और आपका बैलेंस 60,000। वो पैसे तो भेज दिया, 1,000 बैलेंस। ना 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 ना, बॉस ने बोला नहीं 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 मिला जी। जी आपके 600 पुराने बैलेंस हैं, सिर्फ 500 बाकी हैं। क्या मुसीबत है। इस मुसीबत का हल है सिर्फ खाता बुक ऐप, जो करे आपके सारे हिसाब किताब आसान। अब खाता हुआ खाता बुक। दिल्ली में हुई हिंसक घटना के बाद जहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, बिजनौर में जुमे की नमाज को देखते हुए चाशीरी की जामा मस्जिद के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल को लगाया गया है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई अन्य जनपदों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। साथ ही आला अधिकारी मुस्लिम इलाकों में जाकर लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं कैसे ये महिला अधिकारी लोगों को CAA के बारे में बता रही हैं। करना पड़ेगा, आप इसमें सभी लोग सहमत होंगे कि उसी में से टुकड़ा उसी में से उसको भी देना पड़ेगा। तो लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा नहीं है कि किसी को नागरिकता नहीं मिलेगी। उसके लिए जो इलिजिबल होगा, जो उसका पात्र होगा, उसके लिए उसको यहाँ नागरिकता मिलेगा। वही अमरोहा जनपद में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हम पुलिस के लोग खाकी वर्दी में आम नागरिक है। हमारा आपका उद्देश्य एक है। क्या उद्देश्य? पहला उद्देश्य है कि अमन चैन बना रहे, भाईचारा बना रहे, कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा उद्देश्य है कि अपराधी घटनाएं ना हो, यानी अपराध नियंत्रण में रहे। तीसरा उद्देश्य है यदि अपराधी घटनाएं घटित हो जाए उसका शीघ्र अनावरण हो, माल बरामद हो, मस्जिद पकड़ा जाए और जिसका सामान है उसको वापस कर दिया जाए। अक्सर ऐसा होता है कि लोग डरते हैं कि पुलिस हमारी भूमिका बंद कर देगी, बदमाश मेरे बारे में बता देगी। इसीलिए मैं आप लोगों को आश्वासन दे रहा हूँ कि आप वरिष्ठ अधिकारियों को बताइए, आपकी भूमिका बिल्कुल ही बंद की जाएगी और केवल सूचना पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर 20 दिसंबर को जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में हिंसक प्रदर्शन के दौरान राज्य की संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था। वहीं 3 दिन पहले दिल्ली में 2 संप्रदाय में हुए हिंसक प्रदर्शन को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज को देखते हुए पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। मेरठ से उस्मान चौधरी, अमरोहा से BS आर्य की रिपोर्ट, UP तक।